नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 97GB में। आज हम बात करेंगे जियो फाइबर के जो पोस्टपेड प्लान हैं उसमें हमें OTT के साथ लेना चाहिए विदाउट OTT। मेरे पास एक एक्सेल है जो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, और इस प्लान इन सब प्लानों को हम कंपेयर करेंगे जिससे आपको डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि मई में करंटली जो है हमारे पास OTT ऐप्स की कॉस्ट कितनी है। तो हमारे पास ये सारी OTT ऐप्स हैं जो हमें जियो फाइबर प्लान कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है बोथ पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों में। तो अगर आप देखें तो इनका जो हमारे पास कॉस्ट आता है, तो अगर हमारे जो मेन ऐप्स हैं जो मेनली सब देखते हैं, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, C5, अगर इनको इंडिविजुअली हम खरीदें तो हमारे पास बैठती हैं 2497 की। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो वूट्स किड्स और डिस्कवरी भी करते हैं तो वो राउंड अबाउट 3500 की आ जाती है। बाकी हमारे पास लैंगेट, शिमारो, ऑल्ड बालाजी, जियो सिनेमा, जियो सावन मैंने भी कंसीडर नहीं करे, क्योंकि 3500 जो हमारा सम निकल के आ रहा है और 2500 ये काफ़ी अच्छा होगा कंपैरिजन करने के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो है, ये हम जो कंपेयर करेंगे ये दोनों, ये बहुत ही सही अमाउंट होगा। इतना ही डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि हमें विदाउट OTT ऐप्स के लेना चाहिए प्लान या OTT ऐप्स के साथ। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये प्लान है। यहाँ पे गौरतलब है, अगर आप देखेंगे तो ये जो 399 का प्लान है इसमें कोई OTT ऐप्स नहीं है, और ये 699 का है इनमें कोई OTT ऐप नहीं है। इसमें हमारी जो स्पीड है वो 30 Mbps और 100 Mbps की आती है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप 100 Mbps का प्लान लें या फिर 30 Mbps का या 150 Mbps का, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अगर आपको दो TV चलाने हैं और एक कंप्यूटर चलाना है और मोबाइल भी चलेगा एक या दो, तो उसके लिए 30 Mbps काफ़ी है विदाउट 4K कंटेंट के साथ, अगर आप फुल HD कंटेंट देख रहे हैं तो। और अगर आप फुल HD 4K कंटेंट की बात कर रहे हैं तो कोई एक 4K चला सकेगा और दो आपके फुल HD में देख सकते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि घर के अंदर जो बेसिक प्लान है आप 30 Mbps का ही लीजिए, जो है फर्स्ट ऑफ आप ट्राई कीजिए पहले मंथ के अंदर कि 30 Mbps का प्लान क्या आपके लिए सही चल रहा है। अगर वहाँ पे कोई लैग आता है तो आप 100 Mbps के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 30 Mbps के प्लान में ही हमारे पास ना दो दिए हैं इन्होंने, 499 और 599। 499 में हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक 6-7 एप्लीकेशन मिलती हैं यहाँ पे, तो ये मोस्टली लोग ये नहीं देखते हैं। जो हम मोस्टली देखते हैं वो 599 में आ रही हैं, जिसमें डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZTV, वोट वगैरह हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंस आ रहा है वो 2832 का है। तो जो हमने कैलकुलेट किया था वो 3.5 था वूट को अगर कंसिडर करें, और 2.5 था हमारा अगर डिज्नी हॉटस्टार को कंसिडर करते हैं। तो अगर आप डिज्नी हॉटस्टार और सोनी लिव, Z5 अगर ये पांच करते हैं तो हमें सालाना 300 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, 332 रुपये का फ़र्क पड़ेगा अराउंड। तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना इंडिविजुअल लीजिए और इंडिविजुअल ऐप लीजिए और उसमें इंडिपेंडेंट रहिए, किसी भी फ़ोन पे किसी भी डिवाइसेस पर आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्कवरी प्लस, यूनिवर्सल, ओल्ड बालाजी, इरोस, लाइन गेट वगैरह देखते हैं या फिर जियो सावन का आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 599 के पास जाए, जो आपका मंथली पड़ता है 706 वाला प्लान। अगर हम बात करें 699 प्लान की, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये वाला प्लान, क्योंकि 30 Mbps ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और आप एक साथ बहुत सारा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसमें भी अगर यही केस है, अगर आप 899 प्लान तभी लें जब आप ये वाले डिज्नी हॉटस्टार इन के अलावा भी अगर आप देखते हैं तो आप ये वाला प्लान लें 899 का, वरना ना लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्लान, ये वाला जो प्लान है 1499 वाला, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये वाला प्लान बिग नो है, अनलेस एंड अंटिल आपको 300 Mbps की ज़रूरत है। नॉर्मल हाउस होल्ड में 300 Mbps की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली आपका अगर ये 990 का प्लान देखें तो हमको ये जो प्लान है ये 100 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी ये हमारा जो मंथली पड़ेगा वो 118 रुपीस एक्स्ट्रा पड़ेगा, और हमारी जो सब्सक्रिप्शन जो आती है वो 1500 की आती है,
अमेजन प्राइम की। तो अगर आप देखें तो कुछ पैसे सस्ता ज़रूर पड़ता है, हाँ लेकिन वो बराबर सा ही पड़ता है। अगर आप प्राइम देखते हैं तो लीजिए, वरना ये बिल्कुल मत लीजिए। नेटफ्लिक्स तो अगर आप देखते भी हैं तो बाहर से अलग से ले लीजिए, ये वाला बिल्कुल बैन मत लीजिए। तो आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर की होगी। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान जो है वो ये आपका 599 मान रहा है, अगर आप OTT ऐप्स देखते हैं तो। अगर आप OTT ऐप्स नहीं देखते तो 399 वाला है। यहाँ पे अगर मैं एयरटेल से कंपेयर करूँ तो एयरटेल के पास 499 का प्लान है यहाँ पे, और OTT का तो छोड़ ही दीजिए, वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है, उसकी जगह आप ये लीजिए अगर आपके एरिया में जियो की सर्विसेज अच्छी हैं तो। होपफुली मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर पाया होंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।